तबे मध्यप्रदेश रा भोपाल रे जनजाति गौरव दिवस पालन करा जाउछि। एई अवसर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्ये सेठारे उपस्थित अछन्ति। देखबा यार सीधा स्वागत हम भी अपने श्रद्धा के अभिव्यक्त करेंगे। हमारे रणबांकुरों के स्थलों की ये माटी है, पावन माटी, अमृत माटी, कलश में जो यहाँ एकत्रित की गई है देवियों सज्जनों। मुख्यमंत्री महोदय से पुनः मैं निवेदन करूंगा, गोंडवाना का गौरव रानी कमलापति की प्रतिमा भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस समय वो भेंट करें। रानी कमलापति ने अपने राज्य की रक्षा के लिए लगातार मुगल शासकों का बहादुरी से सामना किया था और अंत में अपने सम्मान की रक्षा करते हुए उन्होंने जल समाधि ले ली थी, इसलिए कि अपने गौरव से कभी समझौता नहीं करना, अपने आत्मसम्मान से कभी रक्षा समझौता नहीं करना। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से गूंजती हुई तालियों की आवाज सिर्फ न यहां बल्कि देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। देवी सज्जनों बहुत बहुत अभिनंदन है इस रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। मैं मध्य प्रदेश के प्रख्यात चित्रकार भूरीबाई जी को बड़े श्रद्धा भाव से विनम्रता पूर्वक मंच पर आने के लिए निवेदन कर रहा हूं। भूरीबाई जी को भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया है। भूरीबाई जी अपनी बनाई एक पेंटिंग माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बहुत ही सम्मान भाव के साथ प्रस्तुत करने जा रही हैं। एक सहज व्यक्तित्व है भूरीबाई जी का और ये पेंटिंग जिसका शीर्षक है भराड़ी, परिवार के लोगों के साथ देवता का पूजा करना, अर्चना करना, ये चित्र भूरीबाई जी यहाँ प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रही हैं और ये परंपरा का स्वरूप बड़ा सुंदर है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ पद्मश्री से ही सम्मानित प्रख्यात गोंड चित्रकार भज्जू सिंह श्याम जी को। भज्जू सिंह जी अपनी बनाई एक पेंटिंग प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। इसका शीर्षक है छांव। एक घने वृक्ष की छांव में अनेक पशु सुस्ता रहे हैं। प्रकृति का, जीवों का, मानव का ये सुंदर अभिव्यक्ति है इस रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जो उन्होंने भेंट किया है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आभार सभी विभूतियों का। मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन। देवी सज्जनों हमारे जनजातीय समाज में आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति का मतलब है गीत संगीत और नृत्य के साथ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति। और आज यहाँ मध्य प्रदेश की अनेक जनजातीय प्रस्तुतियों का आनंद हमने सुबह से लिया है, पर अब समय है एक विशेष प्रस्तुति का। मध्य प्रदेश की जनजातियों का केंद्रीय नृत्य है, रूप है कर्मा नृत्य। केंद्रीय इसलिए कि यह नृत्य अधिकांश जनजातीय समूहों द्वारा किया जाता है।